हाय दोस्तों, कैसे हैं? आज 15 फरवरी है और आज जो शेयर लेके आए हैं वो है अम्बुजा सीमेंट। अम्बुजा सीमेंट आज 15 फरवरी को जो क्लोजिंग दिया है 204.80 रुपये पे। इससे तो आप देखेंगे वेटेड एवरेज वॉल्यूम पे जो इसने प्राइस दिया है वो अच्छा है। 203 की जगह पे 204 की क्लोजिंग दी है, एक अच्छा है। बट इसमें जो आई और 100% बाइंग सेंटीमीटर है और 190 पे इसको जो है 188-185 पे इसको अच्छा खासा सपोर्ट भी है। लेकिन मंडे को इसका रिजल्ट है, 17 तारीख को इसका रिजल्ट होगा और इसमें देखेंगे तो एक डेरिवेटिव में पुट पे एक अच्छी खासी पोजीशन बन रही है। और इसमें आज ट्रेड की वैल्यूम देखेंगे तो आज 15,16,000 का ट्रेड हुआ है, उसमें से 35% की डिलीवरी भी है, 5,33,000 का। और ये अभी कुछ दिनों से 260, 247, 205, 204, 204 मीन्स एक ही रेंज में ये रेंज कर रहा है अगर 7 दिन की बात करें। और अगर मैं दो वीक की बात करूँ वॉल्यूम के बेसिस पे तो आप देखेंगे ये 212 से लेकर के 204 के बीच में डाउन ट्रेंड में ही थोड़ा सा घूम रहा है। और आज देखेंगे वॉल्यूम वेटेड एवरेज से तो थोड़ा ऊपर की ओर क्लोजिंग दिया, 203 की जगह 204.80 का क्लोजिंग दिया इसने, तो एक पॉजिटिव है। कल भी दिया था 204.61 की जगह 200 लोअर दिया था, 240 में दिया था, लेकिन आज अपर साइड दिया है, 203.72 की जगह 204.80 में क्लोजिंग दिया है। तो आज अच्छा है, तो थोड़ा सा अपसाइड दिखा है, बाइंग हुआ दिख रहा था। और अगर डेरिवेटिव में जाकर के देखें तो यहाँ पे देखें 205 पे अगर एट द मनी देखे 28 फरवरी के 203 है तो 205 के 200 की एट द मनी देखें तो 200 पे क्या हो रहा है, 115,000 शेयर का बाइंग हो रहा है, 510,000 का क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट है और 4.70 रुपये के आपको लास्ट ट्रेडेड प्राइस से मिल रहा है। और 205 का देखें तो 7.10 रुपये पे लास्ट ट्रेडेड प्राइस है इसका। और इसकी जो क्वांटिटी होती है लॉट साइज है जो 2500 की, तो आप देखेंगे 200 और 205 पे इधर इस साइड में इसको शॉर्ट किया जा रहा है और यहाँ पे इसको, लेकिन 195 पे देखेंगे आप तो यहाँ पे भी इसको कॉल साइज में बाइंग हो रही है और पुट साइज में भी बाइंग हो रही है। तो 195 का एस्टिमेट नहीं है, 195 का बहुत अच्छा सपोर्ट है इसको। तो आप देखेंगे यहाँ पे तो अगर मैं आपको 205 का देखूँ वो प्राइस दिखाऊँ तो आपको देखिएगा आज क्लोजिंग हुआ है 710 पे और देखिए चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखिए 67% के साथ चेंज हुआ है ये। और बाइंग क्वांटिटी अभी भी 492,000 है जबकि सेलिंग है 267,000। तो अच्छी खासी पुट साइज में ये पुट की ओर है ये डेरिवेटिव पोजिशन में देखेंगे। और अगर मैं दिखाऊं निफ्टी के साथ इसको कंपेरेटिव दिखाऊं तो ये निफ्टी को भी फॉलो कर रहा है, तो निफ्टी भी अभी वीक दिख रहा है। तो हो सकता है कि इसके साथ आपको अंबुजा सीमेंट भी नीचे की ओर वीक दिखे, बट एक ये बहुत ही अच्छी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। प्रमोटर्स ने अगर सेप्टेम्बर में दिखाया तो थोड़ा सा प्रमोटर ने थोड़ा सा आउट किया था, बट इसकी अच्छी बातें बताओ 63.46% के साथ प्रमोटर की होल्डिंग है, प्लेस कुछ भी नहीं रखा हुआ है, इसमें 449 FI का होल्डिंग है और अच्छे खासे सारे इंश्योरेंस कंपनी पब्लिक होल्डिंग LIC की भी होल्डिंग अच्छी खासी इसमें है। रिकमेंडेशन भी अर्लियर था, अर्लियर 400 का रिकमेंडेशन 25 अक्टूबर को दिया गया था इसका। 252 का दौलत कैपिटल ने दिया था तो अच्छा खासा। रिटर्न की बात कर लें एक बार तो रिटर्न इनका जब भी देखेंगे अभी वन डे में थोड़ा पॉजिटिव दिखा रहा है, वन वीक वन मंथ सब में निगेटिव ही दिख रहा था। 3 ईयर में 3.64% का गेन है 4 ईयर में। लेकिन मैं अगर इसके फाइनेंशियल की बात करूं तो आप देखेंगे इसका जो सेल्स ग्रोथ है 33% है, अच्छा है। ये प्राइस टू अपने जो कैश फ्लो है वो 11 टाइम्स में मिल रहा है, ये एक अच्छी बात है। और आप देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसके पास डेप्ट है नहीं, डेप्ट 0 के बराबर है, 24 करोड़ का सिर्फ डेप्ट है, यहाँ पे प्रॉफिट 4,000 करोड़ का है। तो सेल्स ग्रोथ 33% है, 4,000 करोड़ है। तो ये शेयर आपको कभी भी जो अभी आपको दिख रहा है 270-275 के आसपास जब भी मार्केट अपट्रेंड होगा, मई जून जुलाई 6 मंथ का भी टारगेट रखते हैं तो ये आपको आराम से 240-250 तक आराम से जाकर के 6 महीने में ये दिखा सकता है, पूरे रिटर्न दिखा सकता है। और ये देखिएगा तो प्राइस टू बुक वैल्यू सिर्फ 1.93 आ रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15.86 है। लेकिन अभी क्या है इसको चार्ट पे देखेंगे एक बार ना, तो यहाँ पे आप देखेंगे अंबुजा अगर आप देखेंगे इसको तो यहाँ पे एक बार इसको जो है यहाँ पे हर बार सपोर्ट मिलता है 189-190 के पास। ये देखिए ये लेवल जो है यहाँ पे अगर हॉरिजॉन्टल मैं एक्सटेंड करूँ तो हॉरिजॉन्टल लाइन दूँ तो यहाँ पे 190 के पास इसको अच्छा खासा सपोर्ट है। तो हो सकता है कि रिजल्ट जो ICICI ने प्रेडिक्ट किया है कि थोड़ा इसको लॉस होगा, तो 190 के आसपास इसका सपोर्ट है, तो हो सकता है ये 190 यहाँ पे टच करे
और अगर 190 ब्रेक करेगा तो फिर आपको एक फॉल अच्छा खासा देखने को वापस फर्दर मिल सकता है, और वापस ये जो सपोर्ट लेगा ये इस लेवल पे आकर के सपोर्ट ले सकता है 165, या तो यहाँ पे आप बोलें तो 175 के आसपास आकर के सपोर्ट ले सकता है। यहाँ पे दूसरा जो लेवल है यहाँ पे आकर के इस लेवल पे आकर के हो सकता है यहाँ पे 175 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। और अगर मैं इसका एमएससीडी लाइन दिखाऊँ आपको, एमएससीडी दिखाऊँ एक बार इसका, तो एमएससीडी भी देखिएगा तो आपको यहाँ पे ये आपको एमएससीडी जो बता रहा है ये क्रॉसओवर बता रहा है, नीचे की ओर ही बता रहा है। तो एमएससीडी भी अभी थोड़ा निगेटिव बता रहा है, तो हो सकता है कि ये आपको एक बार 190 की ओर जाता हुआ दिखे आपको। और आईसीआईसी ने जो इसका रिपोर्ट बताया वो बताया कि अंबुजा सीमेंट क्वार्टर फोर पैट में डिप 2.6% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 2,390 crore। आईसीआईसी डायरेक्ट ने इसके बारे में बताया है कि जो क्वार्टर फोर का रिजल्ट आएगा उस पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो होगा 2.6% की इसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरावट दिखेगी, जो 329 crore की गिरावट हो सकती है। सेल्स बढ़ेगा लेकिन ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट हो सकता है उसमें, उसमें लॉस देखने को मिले आपको। तो अंबुजा सीमेंट में एक अच्छा स्क्रिप्ट है, बाइंग सीमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर से अच्छा खासा मेजर सीमेंट सेक्टर का कैंडिडेट है ये। बाइंग सेंटीमेंट 100% है, डिलीवरी आपको 35% से हो ही रहा है, खराब नहीं है। आज का वॉल्यूम है 15 लाख, तो हो सकता है कि अभी एक बार 13,17,000, तो ये निगेटिव पैटर्न पर चल रहा था और ये कई दिनों से 200 के आप रेंज में देखेंगे ना, तो कई दिनों से ये इसी रेंज में घूम रहा है। ये देखिए अपर साइड जा रहा है 219, 220, 222 यहाँ पे जा रहा है, और नीचे की ओर यहाँ पे आकर के 199, 200 के आसपास घूम रहा है। तो 200 से 220 के रेंज में बहुत दिन से घूम रहा है, ये किसी ना किसी एक साइड को ब्रेक करेगा, और जिधर ब्रेक करेगा वहाँ से आपको 30, 40, 50 पॉइंट ऊपर की ओर देखने को मिल सकता है। तो अगर रिजल्ट थोड़ा ख़राब आता है तो 200 का लेवल आज ही अब देखेंगे एक बार, तो इसने क्या किया एक बार 200 के लेवल को टच किया 250, और वहाँ से अप लिया और हाई बनाया इसने 204.80 का, 205.65 का। तो कोई भी अगर शॉर्ट करते हैं तो आप इस कैंडल के 208 रुपये का स्टॉप लॉस से शॉर्ट कर सकते हैं ऊपर वाले से, और या नीचे की ओर, या आप और सेफर साइड रहना चाहते हैं तो 210 रुपये के स्टॉप लॉस से इसको शॉर्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि 190 का लेवल आपको इसमें देखने को मिल सकता है, लेकिन ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, आप इसको बाय करके रख सकते हैं। और मार्केट चूंकि अभी फर्दर अभी आगे जाके गिरेगा थोड़ा सा, तो हो सकता है कि वापस आपको 190 अगर तोड़ा किसी रेट में तो 175 के आसपास इसको सपोर्ट मिलेगा, तो वहाँ पे भी आप बाइंग कर सकते हैं। और फिर फर्दर इसको सबसे ज़्यादा इसमें 150 के आसपास बहुत अच्छा सॉलिड इसको सपोर्ट है, तो उसको तो ब्रेक नहीं करना चाहिए इसको किसी भी हालत में, वो ब्रेक करेगा भी नहीं। तो ये अंबुजा सीमेंट है, अंबुजा सीमेंट पर आप देख सकते हैं, वाच कर सकते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 13% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 6% है, डिविडेंड है 1.76%, हाई 269 का ऑलरेडी बनाया है, 188 का लो बनाया है, तो 188 का जो लो बनाया है वहीं पे इसको सपोर्ट है। अगर वो तोड़ता है तो 175-165 तक आपको जाते हुए देखने को मिलेगा। ये रिजल्ट ओरिएंटेड से आप बोल सकते हैं कि इसमें थोड़ा फॉल मंडे को दिखेगा, क्योंकि डेरिवेटिव में पुट में ऑप्शन बन रहा है 205 में, आप देखिए पुट की और पोजीशन बन रहा है, तो रिजल्ट ओरिएंटेड है। तो ये मंडे को हो सकता है कि एक बार आपको डिप ले और 200 अगर ब्रेक करता है तो 190 तक का रेट आपको, 185 तक का भी रेट देखने को मिल सकता है, 185-190 तक का रेट आपको देखने को मिल सकता है। तो बस ये जो भी था ये एजुकेशनल पर्पज से था, आपको कोई भी ट्रेंड मेरे कहने से नहीं बनाना है, आपको लॉस हो सकता है, आपको पहले खुद सीखना है और उसके बाद बनाना है। तो आप बनाने के पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से आप बात जरूर कर लेंगे। ये सिर्फ आप नॉलेज था, एजुकेशन पर्पज से था, और क्या मेरा ओपिनियन है अंबुजा सीमेंट को लेकर के, जो कि रिजल्ट मंडे को आ रहा है, सिर्फ इसके लिए आपके पास ये रखा था। अगर कोई चाहे तो पुट में पोजीशन बना करके आप अच्छे खासा, यहाँ पे आप डेरिवेट देखते हैं 205 पे तो 67% के ओपन इंटरेस्ट ओपन हुआ है, तो यहाँ पे आपको एक फ़ायदा देखने को मिल सकता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।